हेलो दोस्तों, ये आज जो पिछली वीडियो थी मेरी हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर पे, उसका नेक्स्ट पार्ट है। उस वीडियो में मैंने आदिकाल और भक्ति काल को बताया था। अब इसमें रीतिकाल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कि रीतिकाल क्या होता है, उसके आगे जो काल है वो क्या होता है, आधुनिक काल। ठीक है, सबसे पहले है रीतिकाल। रीतिकाल का जो वो 1650 और 1850 ईस्वी तक का काल है, इसमें क्या दिया है। इसमें जो रीतिकाल का जिसने नाम दिया था, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगाल काल से कहते थे। ठीक है, इसके आगे देखो क्या कहा इसमें। रीतिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, इसका कारण जनता की रुचि नहीं आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिसके लिए वीरता और कर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। इस काल में लोग बाग जनता की रुचि को नहीं ध्यान रखे, आश्रयदाताओं यानी कि राजा महाराजाओं की चापलूसी चाहे उनकी वीरता का वर्णन करते थे। ठीक है, तो वो रीतिकाल में मेन यही चीज़ देखा जाता था। अब देखो इसमें डॉक्टर नागेंद्र का क्या मत था, उन्होंने क्या लिखा। घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। घर में ना शास्त्र चिंतन था और ना ही धर्म चिंतन, अभिव्यक्तियों का एक ही माध्यम था काम। जीवन की बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर मन नारी के अंगों में मुंह छिपाकर विशुद्ध विभोर तो हो जाता था। मतलब इन्होंने वही लिखा था, घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। ये इनका मत था, डॉक्टर नागेंद्र का। फिर उसके बाद देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जिन्होंने हमें भक्ति मतलब आदिकाल का जिन्होंने नाम दिया था, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था, संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषतः रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया। इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि भक्ति काल से जो प्रेरणा ली गई है, मुख्यतः इस काल के लोगों ने ही ली थी, रीतिकाल के लोगों ने ही ली थी। फिर आगे देखिए क्या है, रीतिकालीन काव्य जनकाव्य नहीं बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य था। देखिए, ये जनकाव्य से हटकर दरबार में जो रहते थे उनका ये काव्य था। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा, श्रृंगार और शब्द सज्जा। जैसे श्रृंगार को आप क्या कहेंगे, किसी की श्रृंगार का वर्णन मतलब राजा महाराजा चाहे रानी के श्रृंगार का वर्णन, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। देखिए इसके आगे क्या लिखा है, कवियों ने सामान्यतः जनता की रुचि को अनदेखा कर कर सामंतों एवं रईसों की अभिरुचियों की कविता के को केंद्र बनाया, केंद्र में रखा। देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि उन्होंने जितने भी रईस चाहे राजा महाराजा उनकी अभिरुचियों को अपनी कविता में रखा था। इससे कविता आम आदमी के दुख एवं हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव व विलास से जुड़ गई थी। ठीक है, अब रीतिकाल के दो मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थी वो देख लेते हैं। दो मुख्य प्रवृत्तियाँ, एक रीति निरूपण और एक सिंगारिकता। अब रीति निरूपण क्या है, रीति निरूपण को काव्यांग विवेचन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। एक तो सर्वांग विवेचन और दूसरा था विष्टांग विवेचन। सर्वांग में क्या था, सर्वांग विवेचन के अंतर्गत काव्य के सभी अंगों जैसे कि रस छंद अलंकार, ये काव्य के अंग होते हैं। ठीक है, रस छंद अलंकार की भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको भी एलोबरेट करूंगा ठीक से, को विवेचन को विषय बनाया था इन्होंने। मतलब ये मुख्यतः इनके काव्य में दिखती थी। देखो इनका मुख्य सबसे प्रमुख कवि चिंतामणि, इनकी बुक थी कवि कुल कल्पतरु और देव की शब्द रसायन और कुलपति की रस सहाय, भिखारी दास की काव्य निर्णय, इसी तरह के ग्रंथ थे जिसमें रसछंद अलंकार का यूज होता था और सर्वांग विवेचन थे। ठीक है, अब इसके आगे विविष्टांग विवेचन। विविष्टांग विवेचन क्या होता है, विविष्टांग विवेचन इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा ही हमें। विष्टांग विवेचन के तहत काव्यांग में रस छंद अलंकारों में से किसी एक अथवा दो अथवा तीनों विवेचन का विषय बनाया गया था। हम इसमें सिंपली उसमें तो तीनों लेते थे, इसमें केवल एक ले रहे हैं, किसी एक को भी, या रस का ही मेन फोकस करके या फिर रस छंद दोनों का ही या रस छंद अलंकार तीनों का यूज़ कर सकते थे। तीनों में रस में और रस में भी श्रृंगार रस में रचनाकारों का विशेष दृष्टि थी। इसमें मेन बताया मैंने कि राजाओं की चापलूसी करना जितने रईस हैं वही देखा जाता था। जैसे इसमें रस विलास चिंतामणि ने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ जाती है। रस वाला सुखदेव मिश्र ने लिखी थी, रस प्रबोध रसलीन ने लिखी थी, रस राज मती राम ने लिखी थी, छंद विलास माखन ने लिखी थी। ये श्रेणी की ग्रंथ हैं, श्रेणी ग्रंथ हैं।
फिर रीति निरूपण में परिपाटी बहुत सतही थी। रीति निरूपण में रीतिकालीन रचना को रुचि शास्त्र के प्रति निष्ठा का परिणाम नहीं है बल्कि दरबार में पैदा हुआ रचना, तो वही बात दोबारा दोबारा बता रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं रीतिकालीन कवियों को तीन वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था मेरे पहले वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लें, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। तीन भागों में बांटा गया था वर्गों में, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्धि कवि और रीति मुक्त। रीतिबद्ध क्या कवि होते थे? रीति कवियों कवि आचार्य कवियों नाम से जाने जाते थे, ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया था। एक रीति परंपरा थी उसको निर्वाह कर रखा था उन्होंने, जिसमें हम श्रृंगारिकता मैंने बताया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका पार्ट होता था, उसे देख कर लेके चलते थे, जिसमें केशव दास, चिंतामणि, मती राम, सेनापति, देव, पद्माकर आदि मुख्यतः कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए केशव दास को कहते हैं और किसके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर रीति सिद्धि कवि क्या है? रीति सिद्धि कवियों की रचनाओं में पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही होती है। उनकी रचनाओं को पढ़ने में साफ पता चलता है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को पचा रखा है। इसमें देखो काव्य शास्त्र को मतलब उन्होंने अपने काव्य में इस तरीके से यूज रख कर रखा कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हों, जैसे इसमें बिहारी, रसनिधि आदि इस वर्ग में आते हैं। बिहारी तो अपने आप में एक बहुत बड़े कवि थे। रीति मुक्त कवि तीसरा ये है, रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है, जैसे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, दिजवे आदि इस वर्ग में आते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जो जो इंपॉर्टेंट मैंने येल्लो कर रखा है उसको ज़्यादा फोकस करें आप लोग। फिर रीतिकालीन आचार्यों में देव एकमात्र अपवाद हैं जिन्होंने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की हैं। इन्होंने मतलब रीतिकालीन आचार्यों से हटकर देव जी ने रीति निरूपण क्षेत्र में अपने मौलिक उद्भावनाएं दी थी। फिर रीतिकालीन की दूसरी मुख्य प्रवृत्तियाँ श्रृंगारता थी, रीतिबद्ध कवियों की श्रृंगारता, रीति सिद्धियों की श्रृंगारता, रीति मुक्तों की श्रृंगारता। मतलब ये श्रृंगारता के आधार पर इन तीनों को बांट रखा है, जिसमें बिहारी, रश्मिधि आदि की रचनाओं में से देखा जाता है उन्होंने मतलब श्रृंगार किस तरीके से अपने रचनाओं में छाप छोड़ा है उसको बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है, रीतिकाल की गौण प्रवृत्तियाँ, भक्ति, वीर काव्य, प्रशस्ति और नीति। रीतिकाल में लाल कवि, पद्माकर भट्ट, सूदन, खुमान, जोधराज आदि ने जहाँ प्रबंधक वीर काव्य की रचना की, वहीं भूषण, बाकी दास आदि मुक्तक वीर काव्य की रचना की। फिर अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट कवि और उनकी काव्य संग्रह क्या क्या थी, चिंतामणि की श्रृंगार रंजरी और छंद विचार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काद क्वेश्चन जरूर बनता है कि चिंतामणि के द्वारा कौन सी बुक पुस्तक लिखी गई है या श्रृंगार रंजरी किसने लिखी है। फिर उसके आगे भी ये इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने ये अल्लो कर रखी हैं, लेकिन जो नहीं है उसको भी आप देख लें जरूरी। फिर ये देखिए सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग रहस्य, देव, ये देव द्वारा लिखी गई हैं। ये दलपति राय द्वारा अलंकार रत्नाकर, बिहारी सत्सई, बिहारी के द्वारा लिखी गई है इकलौती पुस्तक, सुजान हित प्रबंध या इस्कलता या प्रीति प्रवा प्रीति पावस या पदावली, ये घनानंद के द्वारा है। फिर ये देखिए हमीर रासो, जोधाराज और ये छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये भूषण के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो रीति काल के कवि थे। अब देखते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल जो हम लोग अभी जी रहे हैं 1850 ईस्वी से लेके अब तक, उसमें भी कई कालों में कई युगों में बट रखा है ये आधुनिक काल, जिसमें सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक है। जैसा कि भारतेंदु युग नाम है इसका, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही पड़ा था, जो कि इस काल के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग